वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको चिन्हों के बारे में बता रही हूँ कि हमने चिन्ह कैसे यूज करने हैं, प्लस माइनस के चिन्ह हमने कैसे यूज करने हैं। जैसे कि दो माइनस की रकम है तो हमने क्या करना है, रकम को क्या करना है और उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाना है, इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। या फिर एक माइनस की रकम है, एक प्लस की रकम है, तो माइनस वाले को आप रखो नेगेटिव, कि आपकी क्लास में नेगेटिव का मतलब है जो लड़ता है, पॉजिटिव का मतलब है जो चुपचाप रहता है। क्लास में दो लड़के हैं, लड़ने वाले भी है कई लड़के और चुपचाप रहने वाले भी, अब चलेगी किसकी, लड़ने वाले की। तो यहीं से ध्यान रखिए कि अगर एक माइनस और प्लस हो तो हमेशा माइनस होता है क्योंकि नेगेटिव की चलती है। तो इससे हमें पता चला ये समान है असमान चिन्ह है, कि असमान चिन्ह हमारे क्या होते हैं, हमेशा माइनस। अब आपने, अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, तीन माइनस दो तो घटा के आ गया एक, या फिर लिखा है माइनस तीन जमा दो, इसको भी घटा करके एक ही आएगा। असमान चिन्ह है, आपने एकदम घटा देना है। अब उत्तर में कौन सा चिन्ह लगेगा आपने देखना है। बेशक लड़ने वाले की चलेगी, माइनस की चलती है, लेकिन एक परिवार में चिन्ह लगाते हुए आपने एक परिवार का ध्यान रखना है। एक फैमिली में, एक परिवार में हमेशा फादर की चलती है जो बड़ा होता है, दादी की चलती, दादा की चलती है, सबसे बड़े की चलती है परिवार में। तो आपने चिन्ह लगाते हुए ये याद रखना है जो रकम बड़ी है उसका चिन्ह आपने यहाँ लगाना है। यहाँ बड़ी रकम जमा की है तो जमा लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। जब हम कोई चिन्ह नहीं लगाते तो उसका मतलब जमा ही होता है। अब देखिए दो क्लास में लड़ने वाले बच्चे हैं, अब दो लड़ने वाले हैं, क्या उनकी बनेगी, जरूर उनकी आपस में बनेगी, और उनकी आपस में बनेगी इससे पता चलता है माइनस तीन माइनस दो, लड़ने वाले हैं तो ये मिल करके हो गए पांच माइनस पांच। अब उत्तर में चिन्ह कौन सा लगना है, उत्तर में चिन्ह लगना है बड़ी रकम का, बड़ी रकम क्या आ गया माइनस, दोनों ही माइनस के हैं तो हमारे यहाँ माइनस लगेगा। हमने यहाँ ध्यान रखना है बस कि उत्तर में बड़ी रकम का चिन्ह लगता है उत्तर में हमारे, ठीक है। अब आगे है हमारा चुपचाप रहने वाले बच्चे हैं, प्लस प्लस है तो ये हमेशा प्लस होता है, चुपचाप रहने वालों की भी बनती है, थ्री तीन जमा दो, दोनों जमा किए तो ये पांच आ गया। यहां से हमें पता चला हमें कि जो समान चिन्ह होते हैं वो हमेशा जमा होते हैं। अगर माइनस के, माइनस माइनस के हैं वो भी जमा होंगे, और प्लस प्लस के चिन्ह हैं वो भी जमा हो गए। अब ये लड़ने वाले हैं तो इनके आगे पहचान तो लगानी पड़ेगी कि ये लड़ने वाले हैं, तो माइनस तो लगेगा बड़ी रकम का चिन्ह, ये प्लस का है तो प्लस का हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे ही मैं ये बता रही हूँ कि चिन्हों के आधार पे हमने गुणा कैसे करना है रकमों को, ये तो हमने जमा कर रहे हैं इधर, अब गुणा करना है, माइनस एक गुना माइनस एक, दो बार माइनस आया है तो आप क्या करेंगे, जमा एक आ गया, या फिर माइनस एक और माइनस दो, दो एकम दो तो जमा आएगा यहां पर, माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक तीन बार आ गया तो ये आएगा तो एक ही, लेकिन तीन बार है तो ये माइनस, मतलब अगर चिन्ह दो चार या छह बार आ रहा है तो जमा लगता है, अगर चिन्ह एक तीन या पांच बार विषम संख्या है में आ रहा है तो वो माइनस लगता है। इस आधार पर हम गुना में लगाते हैं, जैसे कि माइनस दो गुना माइनस एक गुना एक, अब यहाँ पर दो बार चिन्ह आ रहा है तो दो एकम दो, और प्लस है क्योंकि चिन्ह एक दो, दो बार है, माइनस दो गुना माइनस दो गुना माइनस एक गुना माइनस तीन, दो दुनी चार, चार एकम चार, चार तीये बारह, गुना तो सिंपल हमने बारह कर दिया,
एक दो तीन चार, चार बार चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो इस तरह से आपने गुना में चिन्हों को देखना है। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपकी रकम है ऐसे माइनस तीन माइनस दो जमा एक माइनस पाँच माइनस जमा दो, अब आपने कैसे इसको प्लस करना है, माइनस एक फिर से है, आपने आप क्या करेंगे इसमें, आपने सबसे पहले देख लेना है माइनस के चिन्ह कितने हैं, एक दो तीन चार, माइनस वाले सभी रकमों को जमा कर दिया, तीन और दो पांच दस ग्यारह, कितने हो गए माइनस ग्यारह हो गए लड़ने वाले हैं जो माइनस वाले, और जमा वाले कितने हैं दो और एक तीन। अब देखिए ढेर सारे चिन्ह थे, इनके अपोजिट चिन्ह बन गए हैं। अब असमान चिन्ह हमेशा माइनस होते हैं, ग्यारह में से तीन गए तो ये आ गया हमारा आठ। अब उत्तर में कौन सा चिन्ह लगना है, बड़ा लगना है, बड़ी रकम का चिन्ह लगना है उत्तर में। तो इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। अगर ये ऐसे नहीं आता, आपको कन्फ्यूज़न आता है होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस वाली रकमें आप एक साथ लिख लो और फिर आपने जमा वाली रकमें एक साथ लिख लो। फिर इन तीनों को कर लिया हमने, माइनस वाली हमारी माइनस पांच भी है, ठीक है, तो इनको कर लिया आपने, तीन और दो पांच, पांच पांच दस, और ये आ गया ग्यारह, और ये यहां पर कर ली, ये आ गया हमारा तीन। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से रकमों को जमा और घटा सकते हैं। किस तरह से माइनस करना है, तीन दो पांच दस और ये ग्यारह, और ये एक प्लस वाली कर ली, ये तीन हो गए। तो इस तरह से हम बहुत आराम से रकमों को जमा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट में लिखिएगा, उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं बना दूंगी बेसिक का।